नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सभी न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर में 14 फरवरी 2024 से लेकर 24 फरवरी 2024 तक अति रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है। आपको बता दें कि महाराज द्वारा 750 साल बाद मंदिर का जीर्णोद्वार ऐतिहासिक कदम है। हमारे संवाददाता भारत मिश्र ने श्री महाराजा बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही जी से खास बातचीत की। आइए। लगाए जाते हैं कि जो राज परंपरा थी वो राज परंपराएं ध्वस्त हो गई, लेकिन संस्कार सीखना हो तो आज भी आपको राज परिवारों में जरूर आना चाहिए। आपको एक थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। ये तो बहुत सारे लोग शाही की शुरुआत बड़े स से करते हैं, लेकिन यह परिवार छोटे स से शुरुआत करता है, जिसका मतलब होता है कास्टलेस और एक सर्व सम्मान भावना ये राज परिवार देता है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। आपकी मैं बातचीत कराने जा रहा हूँ श्री महाराजा बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही जी से। सीधा रूबरू होते हैं सर। सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं, जो राजशाही परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन आप संस्कार पूर्वक करते हैं और आप अभी बहुत सारे धार्मिक कार्य कर रहे हैं। इसमें रामनगर का जो मंदिर है उस पर जो यज्ञ होने जा रहा है, इसमें आपकी महती भूमिका है। आखिर इस धार्मिक कार्य के पीछे और लगातार कई मंदिरों को देने वाला ये राज्य क्या प्रेरणा देना चाहता है? ऐसा बा हम भथुए बोले ऐसा बा कि ये भथुआ राज्य परंपरा बा वो बेसिकली धर्म पर है। हम लोग के मोटो बा धर्मा धर्म धर्म दया। जो हमने के लॉबी जो हमने के जो क्रेस्ट है उसमें लिखा हुआ है धर्मा धर्म धर्म दया, का मतलब ये है कि सब धर्मों से बड़ा है दया का धर्म। और अभी तक भथुआ राज्य और हम भी इस चीज को फॉलो करते हैं। महाराजा कल्याण मत वो 700 साल पहले मुगल के बादशाहों के थ्रू, इनफैक्ट हिमायू के थ्रू मल का और शाही का खिताब मिला था। शाही का खिताब दंश से होता है, ऐसे अच्छा है वो इसलिए मिला था कि जब हिमायू ने बैटल ऑफ चौसा हारे हार के भागते हुए चले आए थे कल्याण और वहीं पर रहे और कुछ देर आने के बाद से महाराजा कल्याण मल की मदद से और अपने मदद से जाके सेकंड बैटल ऑफ चौसा लड़े बक्सर में, जहां उन्होंने शेर शाह सूरी को हराया और दिल्ली दरबार में गए। वहां जाने के बाद से उन्होंने शाही का खिताब दिया। इन कोर्स ऑफ टाइम मल जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर यूज होता है जी। और इस तरीके से हथुआ का ये जो राजमहल है अपने आप में धार्मिक विरासतों और सारी चीजों को सजोता है। अच्छा, आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग राज दरबार में राजा से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते। 99% ये गलत बात है। जो भी आता है हमको खबर होता है, हम सबसे ये बात नहीं करना। यानी दूर से ही ये जितनी बातें कही जाती है उसका सीधा परिणाम है जी। सर, एक सवाल आता है कि बहुत सारे राज परिवार बाद में राजनीति क्यों छोड़ते, जबकि समाज की सेवा राजनीति से भी बेहतर तरीके से होती है। देखा जाए समाज की सेवा हर तरीके से आदमी कर सकता है, राजनीति में रह के कर सकता है, बिना रहे भी कर सकता है। और हम लोग बिना राजनीति में रहे हुए समाज की सेवा करते हैं।
यह राज परिवार हमेशा केवल दया धर्म और फिर समाज सेवा में विश्वास करता है। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की। देश विदेश के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय YouTube न्यूज चैनल के 7 न्यूज चैनल को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूले। आपका यह अपार सहयोग ही हमारे प्रेरणा के स्रोत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। www.kaushalmati.com